अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम जो बंद रास्ते थे उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो खोल दिया गया है। मोटरवेज जो है वो खोल दिए गए हैं, तमाम जो रुकावटें थी उनको हटा दिया गया है। तमाम दाखिल खारिज रास्ते जो है वो तमाम शहरों के खोल दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज जो था वो खत्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनका एहतजाज जो है वो खत्म कर दिया गया है। और दूसरी जानब अगर हम बात करें पूरे मामले के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है वो बात करना क्योंकि बहुत जरूरी है और तमाम जो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ जिसके अंदर शर पसंदों की जानब से जो है शर पसंदों ने जो रेंजर्स के एहलकार हैं उनको किस गाड़ी ने जो है वो उजला और किस तरह से जो है वो वहां पर हिट किया और उसके बाद वो गाड़ी जो है फरार होगी, इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। जिन साहब चंद जर्नलिस्ट थे जो साफी थे उन्होंने गलत प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश की। ये कहा गया कि वहां पर रेंजर्स की अपनी गाड़ी मौजूद थी जिससे जो है वो ये जो एहलकार थे वो हिट हुए, जबकि यहाँ सीसीटीवी फुटेज में हकायक जो है वो देखे जा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एक जब ये जो रेंजर्स एहलकार जो है वहां पर तैनात थे ड्यूटी जो है वो वहां पर ड्यूटी के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी जो है वो हिट करती है। सिक्योरिटी जराये जो है वो कहते हैं शरपसंदों की जानिब से ये गाड़ी ने हिट किया है। शरपसंदों की वो गाड़ी थी जिसने वहां पर तैनात रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको हिट किया, जिसमें जो एहलकार हैं वो शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं और इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया जो है वो पेश आया। आप फुटेज देख सकते हैं, फुटेज में आपको तमाम तफसीलात जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको बात करूँ कि एहतजाज की कॉल दी गई, एहतजाज के बाद मुजाहरीन जो है वो डी चौक के पास वहां पर पहुंचे जहां पर पुलिस और पीटीआई के जो वर्कर्स थे उनके दरमियान जो है वो तसादुम हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनकी, तो मोहसिन नकवी जो है उन्होंने कहा था कि देखिए हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, अदालत का जो है वो हुक्म है कि वहां पे कोई शख्स जो है वो एहतजाज नहीं करेगा, पहले आप इजाजत दें उसके बाद आप एहतजाज कीजिएगा। फिर यहाँ पे इसमें एक नई चीज आई, नई डेवलपमेंट हुई, उसमें क्या हुआ कि बने पीटीआई तरीके इंसाफ जो है इमरान खान उनकी उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई की। अच्छा वहां पर जो है वो यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि जो बैरिस्टर गोहर है उनकी इमरान खान से उनसे मुलाकात हुई और एहतजाज की जो जगह है उसे मुतबादल जगह को जो है तजवीज करने पर भी गौर किया गया। लेकिन दीदी जो कह दिया है तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। इसके बाद हुआ यह है कि गुजशत रात जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां पर रेंजर और पुलिस ने जो है वो फिर मुजाहरीन को पीछे धकेला और फिर जो मुजाहरीन हैं वो वहां से भाग गए। अच्छा सूरत हाल क्या थी कि यहाँ पे ऐलानात करवाए गए कि पुरअमन रहे, पुरअमन एहतजाज करना जो है वो आपका हक है। वहां पे ये पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से ऐलान करवाए गए वहां पे, लेकिन पीटीआई के जो वहां पर कारकुनान थे वो बाजिद थे वहां डी चौक जाने पर। बहरहाल ये एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई और तमाम मुजाहरीन जो है वो मुंतशिर हो गए। अब ये है कि बड़े वक्त से लोग फंसे हुए थे, बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए थे क्योंकि अब लोग अपने वापस घरों को जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग कोई कहाँ फंस गया कोई कहाँ फंस गया। एहतजाज के बाद जो है सड़कें बंद थी, मोटरवेज बंद थी, तमाम दाखिल खारिज रास्ते बंद थे, लेकिन एक बार दोबारा हालात जो है वो मामूल पर आ चुके हैं, कारोबार जिंदगी जो है वो बहाल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मैं भी इस वक्त जो है वो रेलवे में सफर कर रहा हूँ और लोग जो है वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं, अपने काम काज पर जा रहे हैं। एक बार फिर जो है वो रौनकें जो है वो बहाल हो रही है और लोग खुश हैं कि कारोबार जिंदगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एहतजाज के बाद कारोबार जिंदगी जो है वो बदल होते रह जाता है। देख सकते हैं कि ये वाकया जब हुआ उस वक्त आपने डिटेल्स देखी कि कैसे ये वाकया जो है वो सामने आता है, किस तरह से वहां पर खास तौर पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई ड्यूटी पे पुलिस अहलकार मौजूद है या कानून के लोग मौजूद हैं वो अपने जो गवर्नमेंट हुक्म है उसके काबिल है। देखिए कोई आपका दुश्मन नहीं है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, आर्मी के जो वहां पर मैंने एक अच्छी चीज देखी कि लोग जो है उन्होंने आर्मी के जवान जो वहां पर मौजूद थे उनको गले से लगा देते हैं। आर्मी आपकी नहीं है, आप अपने देखिए फौज है तो मुल्क है। एक बात याद रखिएगा कि हम सब मिलकर बनता है पाकिस्तान, ठीक है, इदारे अवाम तमाम सियासी जमातें, एहतजाज करना सबका राइट है, लेकिन अमन एहतजाज करें, अपने लोगों को डरना
की चीजें करना अलग है। बहरहाल जो मनाजिर मैं तो वही बता रहा हूँ, जो मनाजिर हमने देखे हैं जो कुछ दिन हमने देखे हैं उसके अंदर जो है वो जलाओ खराव के वाकत किए हुए, गाड़ियों पर आतिश भी जो है वो किया गया। हाँ, अब अगर हम तरीके इंसाफ का मतलब जो है वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे, क्योंकि ट्विटर जो है हमें ब्लॉक करना होता है किसी इस्तेमाल से ऐसी जमातों से हटके। अली नवीन बंदा कुछ जो है वो ये कहते हैं जी कि हमारे कानून जो है अगर कुरान का तशद हुआ है और हम इसको खत्म करते हैं और तहरीक जो है तहरीक वो खत्म नहीं हुई और एहतजाज जो तरीके उसको हम जारी रखेंगे। बहरहाल वो एहतजाज करना हर सियासी जमात का राइट है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पुरअमन रहना सबसे इम्पोर्टेंट। एक और बहुत अहम चीज है वो है कारोबार। जब कोई इस तरह के एहतजाज की कॉल होती है पूरा मुल्क जाम हो जाता है, पूरा मुल्क बंद हो जाता है, आप सोचें कि एक दिन में कितना ज्यादा खसारा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी इकॉनमी। तो हमने देखे एहतजाज जो मर्जी जमात करे, जो भी सियासी जमातें करें, लेकिन प्लीज मुल्क को इस तरह से जब बंद होता है ना तो पूरा निजाम जो है इतना बरम हो जाता है। पुरअमन एहतजाज करें, एहतजाज का हक सबको है, लेकिन पुरअमन एहतजाज का हक है सबको। तो बहरहाल ये वो डिटेल्स थी, हमने कोशिश की कि तमाम जो पिछले 3-4 रोज से हम जो है वो कवरेज करते रहे और आपको तमाम डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करते रहे। हमने एहतजाज की डिटेल्स आपके साथ शेयर की, हमने हुकूमत का मौकफ आपके सामने रखा, हमने तमाम वो डिटेल्स हमने किसी देखिए एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए। जर्नलिस्ट जो जब जर्नलिस्ट है एक सहाफी है, अगर वो न्यूट्रल नहीं होता वो किसी भी सियासी जमात या किसी भी मजहबी जमात या किसी भी के साथ प्रूव हो जाता है तो फिर सहाफी नहीं रहता, वो फिर जमात का कारकुन रह जाता है। तो मैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो चीजें दिखाई, आवाम की मुश्किलात भी दिखाई, आवाम की जो परेशानियां उस पर भी बात की, और हमने जो पीटीआई का मौकफ था, जो पीटीआई की जो सारे मामला थे उस पर भी बात की, हमने हुकूमत की बात की, हमने हुकूमत की तैयारियों पर बात की, हमने तमाम वो चीजें जो है वो आपके साथ शेयर की। और अगर अब आप चाहते हैं कि न्यूट्रल होकर तजिया सुनना और असल हकायक जो है वो जानना तो चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट न्यूज जो है वो इसी तरह से मौसू। मुझे फिलहाल इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।